Hi friends, welcome to Tally Digital Class. दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट टू हमने देखा था कि GSTR 1 क्या है, किसे फाइल करना है और कब फाइल करना है, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में पार्ट थ्री में हम देखेंगे कि GSTR 2A क्या होता है, किसे फाइल करना है, कब करना है और उसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे वो पहला वीडियो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि GST रिटर्न क्या होता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को टैली डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि GSTR 2 क्या है। कुछ क्वेश्चन आंसर के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि GSTR 2A क्या होता है। तो देखिए, GSTR 1 एक होता है सप्लायर, एक होता है सप्लायर और एक होता है बायर। सप्लायर के लिए जो भी हमने माल सप्लाई किया है, गुड्स सप्लाई किया है, वो आउटवर्ड हुआ, और जिसने बाय किया, मतलब जो बायर है उसके लिए जो गुड्स है वो इनवर्ड हुआ। मतलब ये GSTR 1 आउटवर्ड के लिए होता है, उसकी डिटेल भरनी होती है, और GSTR 2A में जो आउटवर्ड मतलब जो सेल करना वाला जो टैक्स पेयर है उसने जो भी डिटेल भरी होगी वो GSTR 2A में ऑटो कैलकुलेट होगी। मतलब GSTR 2A फाइल भरना नहीं होता है, सिर्फ उसे रिकंसिलेशन करना होता है कि GSTR 1 जिसके पास से हमने माल परचेस किया है उसने डिटेल सही भरी है या नहीं भरी, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो बिल आया है वो सही है या नहीं, उसका रिकैंसिलेशन हमें करना होता है GSTR 2A में। इसके बाद GSTR 2A करदाता तरीके हूँ क्या रे खरीद सकूँ। तो देखिए यहाँ पर है कि GST 2A कब हम देख सकते हैं। ये देखिए GSTR 1, GSTR 2A क्या है, मतलब उसके बारे में मैं बताऊँ कि GSTR 1 और GSTR 5, मतलब GSTR 1 मंथली टैक्स पेयर के लिए होता है और GSTR 5 क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए होता है। तो GSTR 1 और GSTR 5 जब फाइल किया होगा तो GSTR 2A ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा और आपको GSTR 2 में वो दिख जाएगा। इसके बाद GST यहाँ पर देखिए, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि क्या हम GSTR 2A फाइल कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये GSTR 2A ऑटो कैलकुलेट होता है, आपको GST 2A भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखकर रिकंसिलेशन करना है कि आउटवर्ड जिसने भी हमें जिसके पास से हमने माल परचेस किया है उसने सही डिटेल भरी है या नहीं भरी। इसके बाद क्या हम GSTR 2A को डाउनलोड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप GSTR 2A को डाउनलोड कर इन फ्यूचर में अगर कोई इश्यू क्रिएट हो उसके लिए, इश्यू क्रिएट ना हो उसके लिए हम GSTR 2A का फाइल डाउनलोड कर रख सकते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये हमने रिकंसिलेशन किया GSTR 2A का और उसमें हमने मालूम पड़ी कि जो बायर है उसने इंफॉर्मेशन गलत डाली है तो क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं? तो देखिए, अब GSTR 2A में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप बायर को कह सकते हैं कि आपने
ये इन्फॉर्मेशन गलत डाली है, ये इनवॉइस आपने गलत डाला है, उसको आप चेंजेस कर लीजिए। अगर हम खुद अपने हाथ से चेंजेस नहीं कर, हम खुद GST 2A में चेंजेस नहीं कर सकते, पर लेकिन हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमने जिसके पास से हमने माल परचेस किया था उसको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखिए आपने ये इनवॉइस आपने गलत डाला हुआ है, इसे सुधार लीजिए, ठीक है। और इसके बाद है कि GST 2A में कई कौन कौन सी विगतों कौन कौन सी डिटेल अवेलेबल होती है। तो देखिए GST 2A में GST 1 और GST 5 की डिटेल अवेलेबल होती है। हमने जिसके पास से माल परचेज किया है अगर वो कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल हमें GST 5 में मिलेगी। अगर कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उसकी डिटेल आपको GST 1 में आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर GST 1 में। GST 2A GST Return 2A में आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपको रिकंसिलेशन करना होता है कि GST 2A बायर ने जिसके पास से हमने माल परचेस किया है उसने डिटेल सही डाली है, अगर नहीं डाली तो आप उसे इन्फॉर्म कीजिए, आप वो इनवॉइस चेंज करवा सकते हैं। और GST 1 में कौन सी डिटेल होती है, तो GST 2A में GST 1 और GST 5 की डिटेल होती है। आज के इस पार्ट थ्री में हमने देखा कि GST 2A क्या होता है, किसे फाइल करना है, कब करना है, फाइल तो नहीं करना होता है लेकिन रिकंसिलेशन करना होता है, तो उसके बारे में हमने देखा, डिस्कस करी। इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और आने वाले में भी समय में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरू मिलते हैं अगली वीडियो में।